हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ की खीर। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध ले लिया है, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 70 ग्राम गुड़, 4 से 5 इलायची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच चावल जिसे कि मैंने आधे घंटे पहले पानी से धो करके आधे घंटे के लिए पानी में सोख कर लिया था और मैंने इसे पानी निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है, हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। दूध बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें सोख किया हुआ चावल डालेंगे। अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें चावल के अच्छी तरह से पक जाने तक खीर को पका लेना है। बीच बीच में हम इसे 2 से 3 मिनट में चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। 15 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था, आप देख सकते हैं खीर काफी ड्राई हो चुका है। पर अभी चावल पके नहीं है तो हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और चावल के अच्छी तरह से पक जाने तक हम इसे पका लेंगे। खीर को हमने 20 से 25 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पका लिया है। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चावल को हम हाथ से दबाएंगे, उंगली से दबा लेते हैं। ये देखिए, हमारा चावल अच्छी तरह से पक चुका है, यानी हमारी खीर बनकर के तैयार है। अब हम खीर में इलायची का पाउडर डालेंगे, किशमिश डालेंगे, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम खीर को 1 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसमें इलायची का अच्छा फ्लेवर आ सके। अब हमें गैस को बंद कर लेना है। गैस बंद करने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, आप अपनी पसंद से गुड़ कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम खीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गुड़ को हम गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे वरना दूध फट सकता है। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि जो गुड़ अच्छी तरह से घुल नहीं पाए हैं वो घुल सके। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और खीर को अच्छी तरह से चलाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से खीर में मिक्स हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। गुड़ की खीर बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।